पहला डिस्क्लेमर, इस वीडियो को पूरा देखना अनिवार्य है और इस वीडियो को देखने के बाद गवार साहब से जरूर पूछें, ओए गवार रिप्लाई कब। दूसरा डिस्क्लेमर, नमस्कार, ये डिस्क्लेमर नया है। इस फिल्म की सभी घटनाएं और पात्र काल्पनिक नहीं है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से पूरा संबंध हो सकता है क्योंकि हमने रखा ही है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इंसानों को छोड़कर किसी भी अन्य जानवर पर कोई अत्याचार नहीं किया गया है। इंसान ने मुझसे पूछा कि आप रियाज से इतना जलते क्यों हो, उसकी बेइज्जती क्यों करते हो, उसने आपका क्या बिगाड़ा है। तो मैडम, एक घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता है और एक कुत्ता है जो पालतू है। वो पालतू कुत्ता किसी काम का नहीं है, वो बस पालतू है इसलिए उसकी जिंदगी अच्छी है, उसकी किस्मत अच्छी है कि वो एक जगह पे पालतू है अच्छी जगह। और एक घोड़ा है जो तेज दौड़ता है, जिसमें टैलेंट है, घोड़ा क्यों चलेगा कुत्ते से। नहीं, पहली बात तो रजत, तू घोड़ा नहीं गधा है। और रियाज अली को पालतू कुत्ता बुलाने वाला रजत खुद पहले टिकटॉक बनाता था। बंद काले मुंह, रजत तू खुद को समझता क्या है। और एक घोड़ा है जो तेज दौड़ता है, जिसमें टैलेंट है। तेरे मुंह से टैलेंट वर्ड निकलने के बाद आज उसकी वर्जिनिटी लूज हो गई। खैर, खुद को टैलेंटेड बुलाने वाला रजत आज भी रील्स पे लिपसिंग करता है। माचिस की क्या जरूरत है डार्लिंग, सालों को तरक्की से जलाएंगे। और रियाज की निब्बियों ने मुझे उकसाया, इसलिए मैंने उसको रोस्ट कर दिया। बात आती है उकसाने की, तो मुझे भी तेरे फैन पेजेस के कुछ डीएम्स आए थे। आप होते कौन है उन्हें रोस्ट करने वाले। रजत अपने गवार फैंस को मेरी स्पेलिंग भी नहीं बता सकता क्या, DADY। खैर, वेलकम टू द गवार रोस्ट। रजत इतना ज्यादा गवार है कि वो उसके घर वालों से पैसा मांगने के बाद उन्हीं को फालतू बुलाता है। ऑफ कोर्स, मेरे चेहरे के बाल और वीडियो की लेंथ बड़ी होने वाली है क्योंकि मैं टिकटॉकर नहीं हूँ। लेकिन रजत भैया टिकटॉकर थे, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। दूसरों के गानों पे होट हिलाता है, झाटू सी शक्ल पे फिल्टर लगाता है। रजत चूतिया गवार कहलाता है, रजत चूतिया है। ये झुमका उसकी पसंद का है और ये मुस्कुराहट उसे पसंद है। लोग पूछते हैं सबब मेरी अदाओं का, मैं कहती हूँ उसे पसंद है। वो सब तो ठीक है दीदी, पर इतना मुंडी हिलाना मुर्गियों जैसे, ये किसको पसंद है। रजत मैं तेरे साथ हूँ यार, पहली बात तो ये कोई कंटेंट नहीं है और लिपसिंग करते वक्त ऐसे मुंह को नहीं लाता है यार। मैं नहीं हूँ तेरे साथ रजत, जो अपने से बड़े टिकटॉकरों को कुत्ता बोलता है और खुद ऐसे मुंह बनाता है। खैर, रजत एक एवरेज टिकटॉकर ही था। खराब लिपसिंग करना, ट्रांजिशन और कपड़े बदलना और निब्बो की तरह क्यूट बनने की कोशिश करना। लेकिन रजत खुद को क्रिएटर बुलाता है, क्यों? क्योंकि रजत खुद की आवाज में खुद के जोक्स बोलता था। आपको पता है, ढूंढने पे शायद भगवान भी मिल जाए, पर दोस्त को दिया हुआ पेन वो नहीं मिलता। रजत वीडियो के पीछे लाफिंग साउंड डाल के फनी नहीं हो जाता, जोक फनी लिखना पड़ते हैं। खैर, एक टिकटॉकर होके तूने जोक लिखा, अच्छा लगा। 2016 के गूगल और व्हाट्सएप के जोक उठा लिए। कभी अगर मम्मी पापा पूछे ना कि कहीं किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं है, तो गलती से भी बता मत देना, क्योंकि तुड़वा हम देंगे साइलेंट होता उसमें। इसीलिए कहता हूँ, सिंगल रहो, खुश रहो। रजत इतना गवार है कि वो गूगल और व्हाट्सएप के जोक पढ़ के खुद को कॉमेडियन बुलाता है। वैसे गवार तो तू है, क्योंकि गूगल से जब जोक उठाने ही था तो थोड़ा फनी तो उठा लेता। मैं बता रहा था कि रजत एक आइडल टिकटॉकर ही था। बड़े टिकटॉकर की तरह रिलीजन हिंदुइज्म पे बोल के, वैसे भी दूसरे धर्म पे जोक थोड़ी ना बनते। छोड़ो, हिंदुइज्म पे जोक बना के जब लोग तुम्हें गाली दे तो हाथ जोड़ के सॉरी बोल दो। राधे राधे। पहली बात, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी रावण के संदर्भ में, उससे काफी सारे लोगों को बुरा लगा, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो उनसे मैं दिल से क्षमा मांगता हूं। अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर देंगे, ऐसी उम्मीद रखता हूं। पहले किसी के धर्म पे बोल दो और फिर हाथ जोड़ के राधे राधे बोल के क्षमा मांग लो। खैर, लिप सिंक
ट्रांजिशन, रिलीजन पे कमेंट, कॉमेडी, जोक्स कॉपी करने के अलावा रजत एक और चीज करता था, डुएट्स। तो लिप गए हम तेरी मोहब्बत में। रजत तू बिल्कुल भी नहीं बदला यार, पहले टिकटॉक पे क्रिंजी रिएक्शन देता था और आज यूट्यूब पे। अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो गया? ओए थिया, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? पिछली बार भी ऐसे ही बुलाया था। अच्छा, ये ब्यूटी खानी थी ना, एक मिनट, जस्ट अप्रिशिएटिंग टैलेंटेड गर्ल, उसके एक्सप्रेशन देखो, जलने वालों रियाज को पीछे छोड़ेगी। जिन लोगों ने ब्यूटी खान की वीडियो लाइक नहीं करी जाके लाइक करो, इंडिया में दबना नहीं चाहिए टैलेंट, बाकी मेरा तो फुल सपोर्ट है टैलेंट को। ये क्या देख लिया मैंने, रजत जो पहले टिकटॉक पे ब्यूटी खान की चाट तारीफ करता था, आज वही रजत व्यूज के लिए ब्यूटी खान को रोस्ट करता है। और ये दीदी टिकटॉक से इंस्टा पे आ गई, पर इन्हें चोरी करना नहीं छोड़ा। ये है ओरिजिनल क्रिएटर जिसका ये साउंड है, और ये है चोर दीदी, बिल्ली चोरनी बिल्ली, जो व्हाट्सएप और गूगल से खुद जोक कॉपी करता है, वो इससे चोरनी बुला रहा है। और किसे? जिसकी वो खुद टिकटॉक पे पहले चाटता था। साले कितना दोगला है तू, दोगला। हमारा दूसरा पॉइंट, खुद ने पोटिज्म करके उस पे वीडियो बनाता है, पहले जिनकी चाटी उन्हें ही गाली दे जाता है। रजत चूतिया गवार कहलाता है, रजत चूतिया है। सिर्फ टिकटॉक पे वीडियो बनाने के लिए रियाज को कुत्ता बोलने वाला रजत टिकटॉक के 2 मिलियन से यूट्यूब के 1 मिलियन तक ब्यूटी खान से मूव ऑन ही नहीं कर पाया। बस फर्क इतना है कि पहले वो उसे फुल सपोर्ट करता था और अब वो उसे क्रिंज बुलाता है। रजत आज भी रील पे ब्यूटी खान के साथ डुएट करके उसी रील को यूट्यूब पे रोस्ट करता है। दोगला मत बोलो उसको, रजत अच्छा इंसान है, क्योंकि जब सुशांत सर वाला केस हुआ तो रजत क्या है कि आउटसाइडर, ऊपर से टैलेंटेड, ऊपर से क्रिएटर और इतना मेहनती, नहीं इससे ज्यादा झूठ नहीं होगा, तो रजत का खून खोल गया और रजत ने नेपोटिज्म पे 3-4 वीडियो बना दी। क्या मतलब है कि व्यूज के लिए बनाई? चुप, मेरे को तो मजे तब आए जब रजत ने नेपोटिज्म को लेके सल्लू भाई पे वीडियो बना दी। विवेक ओबरॉय के टाइम पे तो बहुत मजाक उड़ाया कि सलमान भाई ने विवेक ओबरॉय का करियर खा गए, अब जब सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी खा गए तुम्हारे भाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना तुम्हें? क्या तुम तो अभी भी भाई की फिल्म जाके थिएटर में देखोगे? ईद थोड़ी ना मनती है भाई की मूवी के बिना, है ना? ओए कोई गाली नहीं देगा रजत को, वो भोपाल गैस कांड का सर रजत के सर पे है। किसी समय नेपोटिज्म के खिलाफ 3-4 वीडियो बनाने वाला रजत आज अपने दोस्तों के साथ क्रिंज रील बना के उनको प्रमोट करता है। बार बार स्वाइप अप करो, फॉलो करो, अपनी ही ऑडियंस को चूतिया बना के व्यूज लेना कोई इनसे सीखे। देखो मैं ये नहीं कहता सपोर्ट करना गलत है, लेकिन डिजर्विंग तो हो। दाऊद कहा था ना मैंने, जिस दिन मरूंगा छाती पर। ओ तेरी बहन की लग गयो। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। ए, कितना फनी है यार तू, साले कौन सा नशा करके ऐसे हकता है तू? और इनके भरोसे मत रहना, ये टिकटॉक वाले वीडियो खत्म होने के बाद यही मोजे सुन के सस्ते नशे करते। रजत इतना गवारे कि टिकटॉक और रील पे खुद क्रिंज करके यूट्यूब रोस्ट वीडियो पे क्रिंज लिखता है। आयरनी कर रहा था, मैं आयरनिकल कर रहा था, तुझे जोक समझ में नहीं आता का? सलोनी अब्बा वाली कंट्रोवर्सी में रजत सलोनी को सपोर्ट करने आया, क्योंकि दोनों ही टिकटॉकर थे और अच्छी बात है, लेकिन उस वीडियो में सपोर्ट कम और ब्यूटी खान का रोस्ट फिर से हो गया। हमारे पैर छू दीदी, वो तुम्हारे पैर छू भी लेगा और शायद फॉलोअर्स के लिए तुम्हारे पैरों की चुम्बी पप्पी भी ले ले। मैं आयरनिकल करता हूँ, पर जिस स्पीड से तुम्हारे फॉलोअर्स उसके पास जा रहे हैं, माँ के पैरों में उसको जन्नत दिखे ना दिखे, तुम्हारे पैरों में फॉलोअर्स जरूर दिखते होंगे। रजत मेरे को चुमने और पैर चाटने से कुछ याद आ रहा है यार, मतलब। और मैं रियाज को रोस्ट कभी इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं उससे जलता हूँ या वो बहुत ऊपर तो मैं उसको खींच लूंगा। सुन लिया ना तुम लोगों ने, रजत जलता नहीं है। अरे बाप रे, 10 मिलियन इतनी सारी निब्बियों का समूह।
छिपकली के अंडे। कुत्ता है जो पालतू है, वो पालतू कुत्ता किसी काम का नहीं है। किसी के ऊपर 2 साल से वीडियो बना दो, किसी की पूरी फॉलोइंग को निपियों का समूह बुला दो, उसके फेस पे कमेंट कर दो, उसे पालतू कुत्ता बुला दो। छी, ये हेट थोड़ी ना है, ये इतना बड़ा दोगला है कि इसको इसमें हेट नहीं दिखती, लेकिन जब कोई रजत को रोस्ट कर दे तो आजकल लोग रोस्ट इसलिए नहीं करते हैं कि सामने वाला हंसे, रोस्टिंग हंसी के लिए की जाती है। एंड काफी सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैं रोस्ट करूं उन लोगों को जिन लोगों ने मुझे रोस्ट किया रिटर्न, तो नहीं, ये मैं नहीं करूंगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन लोगों की रोस्टिंग में मुझे हंसी तक नहीं आई यार। मतलब जो बंदा खुद अपने जोक्स गूगल से चुराता है वो दूसरे रोस्टरों को अनफनी बोल रहा है। बढ़िया भाई, अब टिकटॉकरों के दूसरे पापा टोनी कुरकुरे रियाज अली को मैनेज करते हैं और भी कुछ टिकटॉकरों को मैनेज करते हैं, लेकिन रजत भी तो टिकटॉकर था, उसको नहीं करते, तो अब रजत टोनी कुरकुरे के हर गाने को रोस्ट करता है। ओ भाजी इज लव, बट ये टुनटुनी कक्कड़ का टॉर्चर खत्म होगा कब? और इन लोगों की कॉस्ट्यूम देखो, वाह वाह वाह, चलता फिरता पोकेमोन बना देते हैं बेचारे इंसान को। यार रजत भाई बहुत ही फनी हो यार, मतलब म्यूजिक ड्रेस के कपड़ों पे मजाक उड़ाया, मतलब कितना फनी है। हाँ, ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, म्यूजिक ड्रेस पे मजाक उड़ाओ चलता है, लेकिन वहाँ इनको अतरंगी बतरंगी कपड़ों में देखकर वाह वाह, और यहाँ पर दीपिका की चॉइस पे सवाल। गेम प्ले के पीछे छुपे हुए सतरंगी दिमाग वाले नारंगी जीव कोई बड़बुद्धि ही होगा, कोई बहुत ज्यादा बड़बुद्धि ही होगा, जो म्यूजिक वीडियो के कपड़ों को रियल लाइफ के कपड़ों से कंपेयर कर ले। मैं कुछ नहीं बोल रहा, तुम लोग इसकी दोगलेपंती देखो। वाह वाह वाह, चलता फिरता पोकेमोन बना देते हैं बेचारे इंसान को। कोई बहुत ज्यादा बड़ बुद्धि ही होगा, जो म्यूजिक वीडियो के कपड़ों को रियल लाइफ के कपड़ों से कंपेयर कर ले। देखो, किसी का फैन होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए किसी की चाटना या ऐसे फेक बनना कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ये तो गलत है ना। BTS की चार्ट के व्यूज कमाता है, फेक फॉलोवर बनके ये क्लाउट खाता है, रजत चूतिया गवार कहलाता है, रजत चूतिया है। अगर तुम लोग रजत के वीडियोस देखोगे तो तुम्हें लगेगा अरे तो बच्चा है रे, कितना मासूम है। हाँ, गवार इतना मासूम है कि वो रिलीजन पे बोल के फिर हाथ जोड़ लेता है। रजत इतना मासूम है कि सेक्सटिंग के वक्त जब लड़की डैडी बोलती है तो रजत बोलता है पप्पा आ गया, बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। खैर, रजत BTS का इतना बड़ा सपोर्टर है कि जब भी कोई बंदा BTS को रोस्ट करता है रजत उसको पेल देता है। काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, काम करो ऐसा कि नाम हो जाए। BTS इतना छोटा बैंड नहीं है कि इन हिटर्स जैसे कुत्तों के भौंकने से बदनाम हो जाए। समझो, जब कोई BTS को रोस्ट करे तो वो कुत्ता हिटर, सेम जब कोई रजत को रोस्ट करे तो लोगों को फेमस होता हुआ देख के तुम्हें पिछवाड़े में जलन होती है। अरे भाई को बताना था ना, लोगों के कमेंट में हकते क्या कर रहे हो। लेकिन जब खुद गवार साहब ब्यूटी खान और रियाज पे रोस्ट करते जाते हैं तो घोड़ा क्यों चलेगा कुत्ते से। नहीं, रजत को उसकी ऑडियंस को उल्लू बनाना बहुत अच्छे से आता है। रजत की आदत से ज्यादा ऑडियंस उसको इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो BTS लवर है। ओह माय गॉड, रजत BTS लवर है, फॉलो कर देती हूँ। पहली बात तो ये, अगर कोई चीज तुम्हें पसंद है, सेम चीज किसी और को भी पसंद है तो तुम उसको फॉलो कर लो, लॉजिक। लेकिन ऐसी ही सोच रखने वाले 10-15 साल के बच्चों का यूज रजत बहुत अच्छे से करता है। रजत BTS बैंड का इतना बड़ा फैन है कि वो उसे इंस्टाग्राम पे फॉलो तक नहीं करता। अच्छा, जब सेम चीज के लिए दूसरे रोस्टर ने उसको कॉल आउट किया तो अब फॉलो कर दिया, नाइस। अब तुम में से कुछ लोग बोलोगे कि वो फॉलो नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फैन नहीं है। हाँ, अब जैसा क्रिएटर वैसी ऑडियंस, गवार। इसीलिए टू जस्टिफाई माय पॉइंट, ये देखो टीम 07 के जितने भी निब्बा निब्बी मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि उनके फॉलोअर्स देख फॉलोअर्स देख, तो फॉलोअर्स अगर देखने हैं ना तो जाके BTS सर्च करो, उनमें एक एक मेंबर के तुम्हारे पूरी चिल्लर पार्टी से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और जो लोग बोल रहे थे कि अनफॉलो कर देंगे तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को BTS आर्मी वाले सपोर्ट करते हैं यहाँ पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, ये रही ID, जाके चेक कर लो। पहले एक फैन बेस को दूसरे फैन बेस से कंपेयर करना, फिर BTS फैंस तो मेरे को सपोर्ट करते हैं, और फिर किसी और के फैन बेस को अपने खुद के इंस्टाग्राम पे भेज देना। Boy. बॉटल से पानी पी के बॉटल कर देता हूँ खाली, जो खुद अपनी रोस्ट वीडियो चलाने के लिए दूसरे फेमस लोगों की चाटते हैं वो मुझे रोस्ट करने के नाम पे देते हैं गाली। कितना बड़ा गवार है तू चूतिए, पिछले 1 महीने से कोई गाली नहीं दी थी, लेकिन रजत तुझे चूतिया बोला और ये थप्पड़, ये भी स्क्रिप्ट में था, समझा चूतिए। वो
व्हाट्सएप के जोक से ये वीडियो बनाता है, सुनियो की मिमिक्री और हंसता ही जाता है। रजत चूतिया गवार कहलाता है, रजत चूतिया है। तो नहीं, ये मैं नहीं करूंगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन लोगों की रोस्टिंग में मुझे हंसी तक नहीं आई यार। मतलब रजत दूसरे रोस्टर को अनफनी बोल के अपनी ऑडियंस को लिटरली हर वीडियो में ऐसे हंसाता है। बंदर भी तुझसे ज्यादा सुंदर होते हैं। रजत नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस सुनियो की ऐसी रिप ऑफ एक्टिंग करके उसकी मां मत। दिस इज हाउ यू आर स्टार्टिंग योर यूट्यूब रोस्ट वीडियो, क्या रोस्टर बनेगा रे तू। वाह, जब तुम खुद अपनी वीडियो की स्टार्ट ऐसी सड़ी शायरी और भैरंड हंसी से करते हो, न्या, 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 न्या। उसके बाद तुम बोलते हो दिस इज हाउ यू आर स्टार्टिंग योर यूट्यूब रोस्ट वीडियो, समझ नहीं पाएंगे कि माँ की गाली दे कि बहन की गाली दे। नहीं, मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। नहीं मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक तो है ही नहीं बिल्कुल, बैकग्राउंड म्यूजिक नाम की चीज इसकी जिंदगी में आई नहीं है। ऊपर मेड विद काई मास्टर लिखा है। नहीं मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी वो हटा देते हैं लोग। पिछले एक साल से यही सेम बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करने वाला, थंबनेल के नाम पे कोलाज बनाने वाला एडिटिंग का ज्ञान दे रहा है। रजत कोई एडिटर ही रख ले, पैसे। हाँ, खुद को ऐसे पकड़ लो, गहरी सांस लो, जो मैं बताऊंगा सच है। देश में 9 CGPA वाले इंजीनियर बेरोजगार है, लेकिन रजत भैया अपनी एक स्पॉन्सर के 1.5 लाख रुपए लेते हैं। नहीं मतलब मैं ये सोच रहा था कि जब हम 10-20 नंबर के लिए अपनी प्रैक्टिकल फाइल को सजा देते हैं, अच्छे से लिखते हैं, बहुत प्यारी सी हैंडराइटिंग लिखते हैं, तो कोई बंदा 1.5 लाख रुपए में कितना अच्छा पार्ट शूट करता होगा कि स्पॉन्सर करता होगा। नहीं, एक इंटरनेशनल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जिसपे आप ऑनलाइन कैसीनो खेल सकते हैं और खूब सारे पैसे कमा सकते हैं। एंड ये नंबर 1 क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बिटकॉइन इथेरियम USDT। बहुत सही भाई, 1 मिनट का पार्ट शूट करना था, उसके अंदर भी लिपसिंग। एक बात बता रहा हूँ, लिख लो, जब तुम एक टिकटॉकर से इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ मांगोगे तो वो बस अपने गवार फॉलोअर्स दिखाएगा, बस बड़े यूट्यूबर से टॉपिक चुराएगा, गूगल पे से जोक चुराएगा और मेरे क्रेजी दीप के वीडियो भी चुराएगा। खैर, इस ट्रूथ के बाद आती है डेयर की बारी। लेकिन क्या इस बंदे को लगता है कि मैं कुत्तों के सामने जाके नागिन डांस करूंगा? सच्ची ते को लगता है ये मैं करूंगा? तुम लोगों से मैंने बोला था कि क्वेश्चन पूछने, क्वेश्चन सवाल, पर नहीं डेयर देना है। ये कैसी डेयर होती है कि कुत्तों के सामने नागिन डांस करो? तुम्हें लगता है मैं करूंगा? कुछ बोलने को बचा भी है अब? मैं तुम्हें प्रूफ दे चुका हूँ कि ये दोगला भी है, चूतिया भी और चोर भी है। चलो अब एंड करते हैं। धर्म पे बोल के हाथ जोड़ जाता है, मुझसे तू भिड़ा इसमें तेरा ही घाटा है। रजत चूतिया गवार कहलाता है, रजत चूतिया है। छोटी सी स्टोरी है, रजत मेरा वीडियोस और कॉन्सेप्ट कॉपी करता है ये मेरे को पता था, इसीलिए मैंने रजत को इंस्टाग्राम पे DM किया, भाई भोपाल से है क्या? लेकिन रजत बहुत ही बड़ा यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर है तो मेरा मैसेज मिस हो गया होगा, तो मैंने अनसेंड कर लिया। फिर कुछ दिनों बाद मैंने अपनी वीडियो में रजत को पोक किया और उसकी अगली ही वीडियो में रजत ने मेरे को भी एक इनडायरेक्टली रिप्लाई दिया। बॉटल से पानी पी के बॉटल कर देता हूँ खाली, जो खुद अपनी रोस्ट वीडियो चलाने के लिए दूसरे फेमस लोगों की चाटते हैं वो मुझे रोस्ट करने के नाम पे देते हैं गाली। वीडियो के शुरू होते ही रोना भी तो पड़ता है उन लोगों को, वीडियो नहीं चल रही। डियर मित्रों और मित्राणियों, जैसा कि आप सबको पता है टिकटॉक बैन हो चुका है और ये शायद मेरी लास्ट वीडियो है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं ऐसे ही रोज वीडियो डालूंगा। रजत, एक चाइनीज ऐप के बैन होते वक्त जब वहाँ पे आर्मी जैसी ड्रेस पहन के भीख मांग रहा था तब शर्म नहीं आई थी? खैर, उसी दिन रजत ने इंस्टाग्राम पे भी एक स्टोरी डाली, गलती कर दी टुच्चे लोगों पर रिएक्ट करके यूट्यूब वीडियो में। आई नो बहुत बचकानी हरकत है, टुच्चे लोगों को रिप्लाई नहीं मिला मैसेज का तो ईगो हर्ट हो गया। रजत, तूने ये स्टोरी डाल के क्लियर कर दिया कि तूने मेरा मैसेज देखा था। गवारपंती देखो, जिस यूट्यूबर को मैं कॉपी करूंगा उसको रिप्लाई ना देके खुद को कूल समझूंगा। खैर, तुम अब तक तो समझ ही गए होगे कि जब रजत किसी को रोस्ट करता है तो वो जलता नहीं है, वो हेट नहीं करता। लेकिन जब हम लोगों ने रजत को पोक किया, रोस्ट किया, तो लोगों को फेमस होता हुआ देख के तुम्हारे पिछवाड़े में जलन होती है। अरे भाई को बताना था ना, लोगों के कमेंट में हकते क्या कर रहे हो? देखो, करना बस इतना है, एक लेनी है लौंग, एक इलायची, दोनों को आग लगा देना है और फिर उसको वहीं पे डाल देना है जहां पे जलन होती है।
ऐसा नेक्स्ट लेवल रिजल्ट आएगा ना भाई, जलन तो हो ही रही थी, अब साथ में धुआं भी निकलेगा। रजत, मेरे एक छोटे से पोक के बाद तू यूट्यूब पे रिप्लाई दे रहा था, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहा था, इतनी जल गई क्या तेरी? कोई नहीं, जलन हुई तो यही लौंग और यही इलायची अपनी गांड में डाल ले। इस वीडियो के बाद जैसे गौरव जोन यूट्यूब पे गोबर जोन हो गया, ऐसे ही रजत पवार भी रजत गवार ही रहेगा। और एक मिनट, किसी को इस वीडियो की स्टार्टिंग याद है? की किस्मत अच्छी है कि वो एक जगह पे पालतू है अच्छी जगह, और एक घोड़ा है जो तेज दौड़ता है, जिसमें टैलेंट है। घोड़ा क्यों चलेगा कुत्ते से? नहीं, रियाज को पालतू कुत्ता बोलने वाले गवार, तू आज खुद ब्यूटी खान, रियाज, टिकटोकर, बीटीएस या टोनी कक्कर, बस इन टॉपिक पर सीमित है। तू खुद अब रील्स और यूट्यूब का एक टैलेंटलेस कुत्ता ही है। और रियाज की निब्बियों ने मुझे उकसाया, इसीलिए मैंने उसको रोस्ट कर दिया। कोई बड़ी बात नहीं है यार। और रियाज, क्या कोई भी मुझे अगर ऐसे उकसाता बार बार, किसी का भी फैन आके बार बार बोलेगा कि उसकी बात मत करो, उसकी बात मत करो, मैं रोस्ट करूंगा। ओ, अगर रजत को कोई उकसाएगा तो रजत उसका रोस्ट कर देगा। तो अब मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि इसके इंस्टाग्राम डीएम और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके पूछो, ओए गवार रिप्लाई कब, और ये येलो हार्ट दिखाया था इसने अपनी वीडियो में, तो ये इसके कमेंट सेक्शन में भर देना। बस अब अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो यार इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहां पे किसी और के गानों पे होट नहीं लाता। और एक मिनट, मेरे जन्मदिन पे मतलब 1 अगस्त पे रजत भाई आपके लिए एक छोटा सा तोहफा भी है। बाय। टिकटॉक की निब्बी है क्या?